नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज ये वीडियो जो है वो आपकी टर्निंग पॉइंट हो सकता है साबित आपकी लाइफ में, और आपके सारे सपने, आप जो भी चाहते हो, आपकी जो भी ख्वाहिश है, वो ये जो प्लान आज हम देखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट मनी की बात कर रहे हैं, जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा होगा आपकी लाइफ एंटायरली चेंज कर सकता है। और आपको जिसने भी ये वीडियो भेजा होगा उन्होंने बोला होगा कि आप अपना मोबाइल को, आपके स्मार्टफोन को आप एटीएम मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही उन्होंने आपको गाइड किया है, बताया है। क्या आप चाहते हो कि आपका मोबाइल फोन जो आज तक नॉन प्रोडक्टिव चीज में आप यूज करते आ रहे हो, सोशल मीडिया पे इधर उधर की गपशप और लोगों की टिप्पणी करने में जो यूज करते आए हो, उससे ही आप एटीएम मशीन में कन्वर्ट कर दो और बहुत सारा पैसा कमा सको? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए एक एटीएम मशीन साबित हो सकता है। आपका मोबाइल को एटीएम मशीन में कन्वर्ट करने के लिए ये वीडियो आप तक आया है। और अगर अभी भी आप सीरियस नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते, आपकी लाइफ में कोई सपने नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, प्लीज ये वीडियो मत देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिकॉज ये वीडियो है लाइक माइंडेड पीपल्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, जो चाहते हैं कि वो जो चाहे वो यहाँ से फुलफिल कर सके। अगर आपकी साथ से साथ जॉब वाली मेंटालिटी, आपको कुछ बिजनेस मतलब कि समझ में नहीं आता है, आप सारी चीज में शक करने में ही पूरी जिंदगी निकालना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके सपने पूरे कर सकता है, बट आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों चलो, मैं ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आपका सीधा ले चलता हूं आपको नेक्स्ट मनी प्लान प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट मनी है क्या वो पूरा एंटायरली आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट मनी है क्या। बट रुकिए रुकिए रुकिए, आपको अगर अभी तक आप ये परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज ये चैनल को नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, और बाजू में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। अब चलते हैं रियल में। चलिए, नेक्स्ट मनी इनोवेटिव वेज ऑफ अर्निंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के प्लान प्रेजेंटेशन में हम कौन से कंटेंट पे बात करने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स अबाउट कंपनी सीएमडी एंड अवार्ड्स। उसके बाद विजन एंड मिशन कंपनी के क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। व्हाई वी हैव टू ज्वाइन नेक्स्ट मनी, आखिर क्यों, व्हाई आपको जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया है वो क्यों आपको नेक्स्ट मनी को लेकर इतना सीरियस है और बार बार आपका फॉलोअप लिए जा रहे हैं या फिर आपको इन्विटेशन दिया है, तो वो व्हाई क्लियर होना बेहद जरूरी है। तो आपका व्हाई भी आज क्लियर होने जा रहा है। टाइप्स ऑफ अर्निंग, बट ऑब्वियस आज जो भी कर रहे हैं हम, वो अल्टीमेटली तो अपना गोल क्या है, अपना सपना मनी 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 के लिए ही कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे अर्निंग्स क्या है वो भी देख लेंगे। यूनिक सेलिंग पॉइंट, कंपनी की यूएसपी क्या है वो भी जानेंगे, और उसके बाद गोल सेटिंग फॉर फास्ट अर्निंग, अगर आपको फास्ट अर्निंग करनी है तो क्या क्या गोल सेट करने चाहिए। ज्यादा टाइम में आज नहीं लेने वाला हूँ, काफी शॉर्ट में यह प्लान प्रेजेंटेशन फुलफिल करने वाला हूँ, आधे घंटे मात्र में, तो बने रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका 30 मिनट चाहिएगा, प्रॉपर पोजीशन में बैठिएगा, कोई लेटे हुए दिख रहे हैं मुझे प्लीज, अगर लेटे हुए है तो आपका कैमरा ऑफ कर दीजिए, या फिर प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बैठिए, ताकि लोग भी आपको यहाँ पे देख रहे, पूरा इंडिया देख रहा है। हम यहाँ पे बात करते कंपनी का इन्फॉर्मेशन क्या है, तो कंपनी का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी आप देख सकते हो आईटी फील्ड से, पुणे महाराष्ट्र से 11 दिसंबर 2013 के दिन शुरू हुई है, बट इन्होंने एक खुद का नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के नाम से एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया। 1 जनवरी 2017 से ये एप्लीकेशन लॉन्च है, बट इसको डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन है, क्योंकि इंडिया में अगर आपको एमएलएम करना है तो ये गाइडलाइन की जो बॉडी है consumerhelpline.government.in, उसमें जो लीगल रजिस्टर कंपनी होती है उस पर अगर आप करते हो काम, तो वो आपका करियर बेस्ड कंपनी हो सकता है, तो ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट मायने प्ले करता है यहाँ पे ये चीज। तो यहाँ पे हमारी कंपनी 26 दिसंबर 2017 के दिन रजिस्टर हो चुकी है, तो ये ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे ये साल। आगे बढ़ते, ऑलरेडी 15 लाख+ डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से हो रखे हैं नेक्स्ट मनी के, तो ये भी हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हम एक एस्टाब्लिश्ड वेल एस्टाब्लिश्ड एप्लीकेशन के साथ, कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की, जो लिस्ट की मैंने बात की, अगर आप गूगल करते हो consumerhelpline.government.in,
तो एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज आती है आपके सामने, डेटा हिस्ट्री आती है, ये लिस्ट में आपको सीरियल नंबर 278 पर आपको नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी की खासियत क्या है, अब 457 रजिस्टर कंपनी है ये लिस्ट में। अब आपको लगेगा बाप रे 457, हमारी कंपनी को 457 अदर कंपनी से कंपीट करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, नेक्स्ट मनी को किसी से कंपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इकलौते हैं। क्योंकि आप देखो 456 जो कंपनी है वो ऑल अदर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यानी कि हमारा उनके साथ आपस में कोई भी कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हम एकमात्र है जो सर्विस सेक्टर में लीगल है, रजिस्टर है डायरेक्ट सेलिंग में। तो अभी इनिशियल स्टेज में आपके पास अपॉर्चुनिटी आया है, और आप सिर्फ ना नेटवर्क मार्केटिंग बट हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी फील्ड, कोई भी बिजनेस, कि जिस भी बिजनेस में, जिस भी फील्ड में जो भी बंदा जब इनिशियल स्टेज है, जब वो चीज नई आती है, जब कोई जानता नहीं है, तब जिन्होंने ज्वाइन किया है उसने बड़ा मुकाम हासिल किया है, बहुत बड़ा पैसा कमाया है, नेम फेम शोहरत सब कुछ कमाया है। बट जिन्होंने फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि देखा देखी में जब अपॉर्चुनिटी आई स्टार्टिंग में तब तो इग्नोर कर दिया, बट और सारे लोगों को कामयाब होते हुए देखा और फिर वो इंडस्ट्री में पाव रखा, जब कंपटीशन बढ़ चुकी है, मार्केट में वो चीज पुरानी हो चुकी है, पूरे चारों ओर फैल चुकी है, तब उन्होंने कभी भी कमाया नहीं है। तो आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज आपके पास, कि आज इनिशियल स्टेज में आपके पास नेक्स्ट मनी आया है, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिएगा, वरना पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। आज से एक साल के बाद सर पटक के रोओगे कि काश उस दिन उस इंसान ने मुझे यहाँ पे ये मीटिंग में इनवाइट किया था, बट मैंने इग्नोर कर दिया। आगे बढ़ते हम, कंपनी के सीएमडी सर कौन है, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, कि कंपनी के जो एमडी है उनका विजन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कंपनी को आगे तक ले जा सकते हैं, कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखो कुछ हमारी कंपनी के सीएमडी सर के बारे में हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा तो बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। हम नहीं बोलेंगे, आप गूगल को पूछिए, क्योंकि आपको भी पता है कि गूगल सर्च ऑलवेज उगल देता है। आपको कुछ भी दिक्कत आती है, आपको कुछ जानना होता है, तो सबसे पहले आप किसे याद करते हैं, गूगल को। तो गूगल में जाके सिर्फ इतना टाइप कीजिए, यंगेस्ट सीएमडी ऑफ इंडिया, इतना टाइप करते ही आपके सामने एक मुस्कुराता चेहरा आएगा, जेंटलमैन मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन सर, कोटि कोटि वंदन है प्रणाम है सर को, कि जिन्होंने एक बेहतरीन परिकल्पना की थी आज से 3-3.5 साल पहले, जिन्होंने एक सोच रखी थी कि ऐसी कोई एप्लीकेशन जिनकी पूरे इंडिया में लोगों को रोजगारी प्रदान करेगी। और कोरोना के टाइम में हमने देख लिया कि लोगों के जॉब बिजनेस सब जा चुका है, बट नेक्स्ट मनी अड़ीखम खड़ी है, बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी लड़ खड़ा गई कहीं ना कहीं कोरोना के सामने, बट नेक्स्ट मनी अभी भी एकदम डटी हुई है। अभी भी नेक्स्ट मनी को जरा सा भी कोरोना का कोई भी खतरा नहीं है, और ना कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली आगे जाके, क्योंकि हमने सिस्टम ऐसा बनाया, एजुकेशन सिस्टम और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोनों। तो आगे बढ़ते, कंपनी को अवार्ड्स कितने मिले, तो 35 प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड मिल चुका है अगस्त 2017 में, राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है 2019 में। यहाँ पे दुबई के जो लीडरशिप फेडरेशन के द्वारा, एक दुबई गवर्नमेंट द्वारा एक बेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 भी हमारे सीएमडी सर को मिला हुआ है, जिस स्क्रीन पर, जो स्टेज पर विवेक बिंद्रा जी को भी सेम मंच पर जो अवार्ड मिला था, वहां पे ही हमारे सीएमडी सर को भी अवार्ड मिल चुका है। तो ये काफी प्राइड की बात है, गर्व की बात है हम सबके लिए। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे एमडी मैडम, जो मैडम सबनम प्रवीण मैडम है, ई कॉमर्स अवार्ड भी मिल चुका है हमें, डिजिटल वुमेन अवार्ड से नवाजा गया है ई कॉमर्स अवार्ड सेरेमनी में। उसके बाद यहाँ पे अचीव्ड गोल्डन लीफ अवार्ड भी मिल चुका है। लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, जिन्होंने भी पीडीएफ भेजी है प्लान के साथ, उनको ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं आराम से ये सर्टिफिकेशन, क्योंकि मैं ज्यादा इससे गौर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो मायने रखता है वो है विजन और मिशन, और कंपनी को कैसे प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी का कैलकुलेशन क्या है। अगर कंपनी
सर्वाइव कर पाएगी तो वो कैलकुलेशन पे ही सर्वाइव कर पाएंगी। तो मैं ज्यादा तवज्जो उसे दूंगा, कंपनी का विजन क्या है। तो ओपन वॉलेट बैंक बनना है, जैसे आज पेटीएम फोन पे बैंक है, उसके बाद हमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में भी नंबर वन बनना है। और ई कॉमर्स बिजनेस 21st सेंचुरी में आपको पता है ई कॉमर्स बिजनेस का एक डिमांड है, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहां से कहां पहुंच गया, तो हमें उसमें भी नंबर वन बनना है। मिशन क्या है, तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत हमारा मिशन है, जो ऑलरेडी हमारे पीएम भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो उसी राह पे हमारी नेक्स्ट मनी भी आगे बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत कॉन्सेप्ट के जरिए। आगे बढ़ते अब जो मेन मुद्दा आया, जो मेन पॉइंट आया कि आखिर क्यों ज्वाइन करना है आपको नेक्स्ट मनी, आपको नेक्स्ट मनी में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो हम वो भी जानेंगे। ये डाउट्स यहाँ पे अगर आपका क्लियर हो गया वाई, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है नेक्स्ट मनी से सक्सेस होने में। तो ध्यान से समझिएगा, एज अ यूजर की बात कर रहा हूं, अभी नेटवर्कर की बात नहीं कर रहा, लीडर की बात नहीं कर रहा, अर्निंग की बात नहीं कर रहा। एज अ यूजर जो आप ऑलरेडी सालों से यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिचार्ज कर रहे हैं, लाइट बिल पे कर रहे हैं, पेटीएम फोन पे गूगल पे यूज कर रहे हैं, उसके मुकाबले नेक्स्ट मनी क्यों यूज करना चाहिए, एज अ यूजर आपको पेमेंट मोड क्यों चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देख सकते हो अदर वॉलेट जो है, जहां पे आपको स्टार्टिंग में कैशबैक मिलता है कंडीशनल, कैसा कंडीशनल में आपको बोला तो क्या है 10%, बट बाजू में लिखा है अप टू 50, मिनिमम 2 मूवी टिकट करोगे तो मिलेगा, बट अप टू मतलब वहां पे भी कंडीशन है कि मिनिमम अमाउंट 300 रुपए का होगा तो ही मिलेगा, 250 की टिकट की कोई मतलब नहीं, आपको 1 रुपया भी कैशबैक नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज से आप ऑलरेडी वाकअप हो, जबकि नेक्स्ट मनी आपको ऑफर कर रहा है लाइफ टाइम गारंटेड कैशबैक, यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको अगर बोला है कि आपको ये सर्विस में इतना मिलेगा, दैट मींस मिलेगा, आप चाहे कितनी भी बार कर लो, आप पूरी जिंदगी कर लोगे, पूरी जिंदगी मिलेगा आपको, यानी मिलेगा दिन में जितनी बार करोगे उतनी बार मिलेगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रिचार्ज पे बोला है कि 3% 2% कैशबैक, 1% रिवॉर्ड पॉइंट, यानी 3% बेनिफिट है। तो आपको चाहे 10 रुपए का रिचार्ज करो, चाहे 100 रुपए का करो, चाहे 1000 का करो या लाख का करो, मिलेगा, दैट मींस कि मिलेगा। आगे बढ़ते हम, जो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको एक क्वेश्चन आया होगा, रेज हुआ होगा, मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग भी, क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि आखिर ये पेटीएम सर मुझे पेटीएम फोन पे गूगल पे तो कैशबैक नहीं दे रहा है, वो इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा कंपनी है, वो नहीं दे पा रहा है, तो नेक्स्ट मनी ऐसा तो क्या कर रहा है जो नेक्स्ट मनी इतना ज्यादा कैशबैक दे रहा है, इतना ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, आप राइट सोच रहे हो, मुझे भी ऐसा लगा था, बट फिर मैंने समझा। यहाँ पे देखो आप लेफ्ट साइड पे जो है पेटीएम फोन पे गूगल पे, वो बिजनेस टू कस्टमर मॉड्यूल पे काम करता है, सिर्फ कस्टमर क्रिएट करता है, कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब यहाँ पे अर्निंग कौन कर रहा है, वहां पे आप उसको प्रॉफिट जो दे रहे हो, आप कैसे प्रॉफिट दे रहे हो, प्रॉफिट तो आपकी सर्विस यूज करने से ही तो मिल रहा है उनको, पेटीएम फोन पे गूगल पे को। आप सर्विस यूज कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो उससे उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट उसमें इन्वेस्टर्स बैठे हैं, सारे इन्वेस्टर्स यूरोपियन है मोस्टली, 40% अगर पेटीएम की बात करें तो 40% शेयर होल्डिंग चाइनीज कंपनी के द्वारा है। क्या दोस्तों आपको लगता है कि इतने कपरे विकट परिस्थिति में इंडिया को पहुंचाने के बाद भी हमें चाइनीज एप्लीकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, कतई नहीं। तो हमें वहां पे चाइनीज में पैसा ना पहुंचाते हुए हमें इंडियन एप्लीकेशन यूज करनी है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट जा रहा है, और बाकी एडवर्टाइजिंग आप देख रहे होंगे कि इंडिया की सीरीज पेटीएम खिला रहा है, आमिर खान तो फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर है, तो वहां पे करोड़ों रुपये खर्च होते हैं दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, वो करोड़ों रुपये निकलते कहाँ से, जब आप प्रॉफिट करवाते हो वहां से तो वो सर्वर करते हैं वो लोग। तो सिमिलरली वही जो पैसा जो इन्वेस्टर के पास जा रहा है, जो उनको एडवर्टाइजिंग के पीछे खर्चा करना पड़ रहा है, उसकी जगह पे नेक्स्ट मनी आपको बोल रही है आप हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, ये एप्लीकेशन के ऑनर बन जाओ, आपको यहाँ पे इक्वल शेयरिंग दिया जाता है, अर्निंग को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आपको मालिकी दी जाती है। ये कोई अभिषेक कुमार बर्मन सर की एप्लीकेशन नहीं है, ये मेरी एप्लीकेशन है, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये हम सबकी एप्लीकेशन है, हमारे लिए बनी गई एप्लीकेशन है, इंडियन की एप्लीकेशन है। तो ये हमें समझना होगा कि इंडियन एप्लीकेशन को बढ़ावा देना है, इंडिया को आगे लाना है। आगे बढ़ते हम अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि अब ये एप्लीकेशन में समझ तो लिया, बेनिफिट क्या है, एज अ यूजर क्या फायदा है, अब स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। तो प्राइम मेंबरशिप वर्ड आपने काफी टाइम से सुना होगा, हर एक एप्लीकेशन में होता है, अमेजोन प्राइम 999 पर ईयर, यानी कि 999 रुपया लेता है, 750 पेटीएम लेता है एक साल का, यूट्यूब प्रीमियम 129 रुपया पर महीना लेता है,
उसके बाद हॉटस्टार, स्विगी, फ्लिपकार्ट प्लस, उबेर, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सारी एप्लीकेशन में आप अगर कुछ एक्स्ट्रा पाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपको पे करना रहता है। सिमिलरली आपको नेक्स्ट मनी में भी एक प्राइम मेंबरशिप लेना है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि अमेजोन 999 में हमें देता क्या है। फास्ट डिलीवरी, फ्री डिलीवरी और जो सेल आता है वो 24 घंटे पहले हमारे लिए स्टार्ट हो जाता है। बट क्या दोस्तों कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलती है आपको? नहीं। और दूसरा, मान लीजिए आपने प्राइम मेंबरशिप ले लिया, अब आपको कुछ ऑर्डर करना है महीने के बाद, क्या आप डायरेक्टली अमेजोन में जाकर ऑर्डर कर दोगे? नहीं, आप कंपेयर करोगे। बट ऑब्वियस है कि हम दो चार जगह पे जाएंगे, अमेजोन में जाएंगे, फ्लिपकार्ट में जाएंगे, मिंत्रा में जाएंगे, तीन चार जगह पे देख के अगर फ्लिपकार्ट में सस्ता हुआ कहां से ऑर्डर करोगे? बट ऑब्वियस है फ्लिपकार्ट में, क्योंकि वहां पे अगर पैसा बच रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 999 पे करने के बाद भी मुझे कोई एश्योरिटी नहीं मिली, कोई गारंटी नहीं मिली कि मार्केट से मेरा पैसा, जो मुझे जो प्रोडक्ट लेनी है मार्केट से सस्ता ही मिलेगा, मेरा 5 रुपया भी बचेगा, कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है फ्लिपकार्ट से सस्ता मिल रहा है तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना पड़े, जबकि नेक्स्ट मनी आपको यहाँ पे श्योरिटी देती है, एश्योरेंस देता है कि मार्केट से आपको डेफिनेटली ज्यादा ही बचत होने वाला है, यहाँ पे आपका ज्यादा ही पैसा बचने वाला है। अब नेक्स्ट मनी का प्राइम सब्सक्रिप्शन है वो 1500 रुपए और मात्र एक बार लाइफ में आपको पे करना है, जिसमें आपको यहाँ पे 270 रुपया जीएसटी का ऐड करना है, तो यानी कि 1770 रुपया वन टाइम पे करोगे तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम गारंटेड कैशबैक तो मिलेगा ही, और साथ साथ 1550 रिवॉर्ड पॉइंट इंस्टेंट मिल जाएगा। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू है 1 रुपए बराबर, यानी 1550 रुपए बराबर का आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हो, एक साथ यूज नहीं होता है, कोई सर्विस में 1%, कहीं 2%, कहीं 5%, 10%, 20%, 50%, कई चीज है जहाँ पे 70% तक भी यूज होता है, 1550 एक साथ भी कई जगह पे यूज हो जाता है। आगे बढ़ते हम, अब यहाँ पे प्राइम मेंबरशिप लेना है तो कैसे लेना है? तो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके रेफरल लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए और 50-50 रिवॉर्ड पॉइंट आ जाएगा। जैसे 1770 से आईडी अपग्रेड करते हो आपको 1550 रिवॉर्ड पॉइंट आ जाएगा, और जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको 300 रुपया मिल जाएगा पर रेफरल। अब देखते हैं कि कैसे मिलता है। अब ये यूज ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट से कैसे यूज करना है, तो ऑलरेडी आपको एक चार्ट भेज दिया गया है, वो चार्ट में सारा डिस्काउंट और वो सब मेंशन किया है, तो वो आपको जिसने भी इनवाइट किया उन्होंने एक मैसेज भेजा होगा उसमें पूरा है, तो इसे मैं स्किप करता हूँ क्योंकि हमें लीडर्स को भी सुनना है। टाइप्स ऑफ इनकम, फर्स्ट है रेफरल इनकम, दूसरा है टीम रॉयल्टी इनकम, तीसरा है कंपनी रॉयल्टी इनकम, चौथा है रीपर्चेस इनकम और पांचवा है मर्चेंट इनकम। आइए देखते हैं फटाफट क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले रेफरल इनकम। अब दोस्तों हम बहुत सारी चीज कहीं ना कहीं प्रमोशन करते, ब्रांडिंग करते, लोगों को हम यहाँ पे बताते कि देख वहां पे मैं रेस्टोरेंट में खाना खा के आया, बहुत अच्छा था फूड, क्या मिला? कुछ नहीं, फ्री में एडवर्टाइजिंग की। अरे मैं वहां पे मूवी देख के आया, वो रेस्टोरेंट नया ही बना है, सॉरी वो मल्टीप्लेक्स नया ही बना है, तो वहां पे मूवी देखा, सलमान का गजब मूवी है, मस्ट वॉच मूवी है, अरे यार तू देख के आया, क्या मिला? कुछ नहीं। अगर यही चीज यहाँ पे रेफर करना स्टार्ट कर दिया, वही चीज करना स्टार्ट कर दिया तो भी बेनिफिट मिलेगा, और साथ साथ ये एप्लीकेशन का भी प्रमोशन कर दिया तो भी पैसा मिलेगा। हम जानते हैं ये कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले रेफरल इनकम लेवल वन, जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, उसका मिलता है आपको 1500 का 20%, यानी कि 300 रुपया पर रेफरल। आपको एक को आपने स्पॉन्सर किया 300 मिलेगा, दूसरे को किया 300, तीसरे को किया 300, चौथे को किया 300, पांचवे को, जितने भी करोगे डायरेक्ट में 300-300 मिलता जाएगा। उसके बाद वो भी किसी को रेफर करेंगे तो वो आपका कौन सा लेवल हो जाएगा? सेकंड। सेकंड लेवल का आपको मिलता है यहाँ पे 2%, यानी कि आपको 30 रुपया पर रेफरल दूसरे लेवल से मिलता है। तीसरे लेवल पे आपको मिलता है 3%, यानी कि 45 रुपया पर रेफरल। चौथे लेवल पे आपको यहाँ पे मिलेगा 4%, यानी कि 60 रुपया। पांचवे लेवल पे 5%, 75। छठे लेवल पे 6%, 90। सातवें पे 7%, 105। आठवें पे 8%, 120। नौवे पे 9%, 135। और दसवें लेवल पे मिलता है हमें सबसे ज्यादा 10%, यानी कि 150 रुपया यहाँ पे दसवें लेवल पे हमें मिलता है। अब ये प्लान की कुछ तीन यूनिक बातें मैंने देखी थी ये बिजनेस ज्वाइन करने के वक्त। सबसे पहला कि कुछ बेचना नहीं है, कोई रीपर्चेस नहीं, किसी को हमें प्रोडक्ट बेचनी नहीं, ना खुद खरीदनी है, कंज्यूम करनी है, हर महीने कुछ खरीदना नहीं। लोग खुद रिचार्ज करेंगे कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, क्या मुझे कॉल करना पड़ेगा? भाई साहब आप रिचार्ज कर लो, आप मूवी देख लो, आप अपना व्हीकल का इंश्योरेंस कर लो, आप लाइट बिल पे कर लो, या कुछ कर लो, ये सर्विस कैसी है हमारी?
जो लोग खुद म खुद करेंगे विदाउट रिमाइंडर और हमें पैसा आता रहेगा। दूसरा यहाँ पे ये प्लान में जो दूसरा पॉइंट है, आप देखो यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज आपको बताया, यहाँ पे आपने एक चीज मार्क की होगी अगर, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो डाउन में, वैसे डेप्थ में जाने से पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप दूसरे लेवल पे 2, 3, 4, 6, 8, 10 तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होता गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा 6 से 10 लेवल में है, तो ये प्लान की ब्यूटी है कि सबसे ज्यादा पैसा वहां पे रखा जहाँ पे टीम सबसे बड़ी होने वाली है डुप्लीकेशन होके, क्योंकि नेटवर्क में सबसे बड़ी टीम साइज होती है वो नीचे डेप्थ में होती है और पैसा भी नीचे है। और तीसरा और सबसे यूनिक पॉइंट, और आज की ये कोरोना की महामारी के टाइम में तो सबसे ज्यादा नीडेड है आपको, कि इंस्टेंट पैसा है, जैसे ही काम किया और तुरंत पैसा। जो बोलते हैं ना मजदूर की, अगर मेहनत जो मजदूरी है उसका, उसे हम मेहनताना जो है वो तुरंत दे दे उसके पसीने सूखने से पहले तो काफी खुश हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप जैसे ही किसी को रेफर करते हैं, मेहनत करते हैं और तुरंत जैसे ही आप दूसरी सेकंड में देखते हो आपके वॉलेट में पैसा आके आ जाता है, और तीसरी सेकंड में अगर विड्रॉ करते हो तो 1 मिनट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है IMPS विड्रॉल के जरिए। सिर्फ मिनिमम विड्रॉल 500 रुपया आप कर सकते हो। आइए देखते हैं, अब आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या यार सर ये क्या होगा 30, 45, 60, ये तो कोई चीज है, इससे तो पैसा कमाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। क्या दोस्तों आप ऐसा फेस वैल्यू रखते हो कि 5 दोस्त 5 रिश्तेदार 5 ऐसे इंसान आपकी लाइफ में जो आपके साथ ज्वाइन कर ले। यहाँ पे एक मैं पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये 5 कंडीशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि 5 करने ही पड़ेंगे। आप ये प्लान में अगर एक इंसान को भी रेफर करते हो आपको पैसा आता है, और वो भी किसी को लाता है पैसा आता है, आपको यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। बट ये 5 का कॉम्बिनेशन, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको डुप्लीकेशन टूर के लिए जरूरी है, रॉयल्टी इनकम के लिए जरूरी है, और अर्निंग पोटेंशियल क्या है उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। तो 5 लोगों को आपने रेफर किया, आपको 1500 रुपया आ गया पहले महीने, और आपका प्राइम मेंबरशिप टोटली फ्री हो गया। बस वही चीज तो आपको करनी है, आपको वो 5 को भी वही सिखाना है कि आप यहाँ पे दूसरे महीने 5 5 1 महीने के टाइम में ले आइए और आपका प्राइम मेंबरशिप फ्री पाइए। तो आपके दूसरे लेवल पे 25 लोग आ जाएंगे और 750 रुपया आप कमा चुके होंगे। वही चीज आगे डुप्लीकेट करेंगे तो 125 की टीम बन जाएगी और 5625 रुपया आ चुका होगा। चौथे महीने 625 की टीम बन चुकी होगी और 37500 रुपया आप कमा चुके होंगे। पांचवे महीने ये टीम साइज 3125 की हो चुकी होगी और 2,34,000 रुपया आप यहाँ से कमा चुके होंगे। दोस्तों 5 महीने में 3 लाख रुपया यानी 60,000 रुपया पर मंथ एवरेज, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 60,000 रुपया मंथली। ना आपकी कोई एज देखी जाती है, ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका रंग रूप, आप किस बैकग्राउंड से, कौन से परिवार से, आपके घर पे अच्छा आलीशान बंगलो है या फिर आप झुप्पड़पट्टी में रहते हैं या मध्यम वर्ग से, आप लोअर कास्ट से, कोई भी देखा नहीं जाता। आपको बस जज्बा होना चाहिए, आपको कुछ ललक होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन कमिटमेंट लेवल होना चाहिए, आप अचीव कर सकते हो, आप जो चाहो वो मुकाम यहाँ से हासिल कर सकते हो। छठे लेवल पे 15,625 की टीम हो जाएगी और 14 लाख रुपए आप यहाँ से कमा चुके होंगे। अब आगे मैं ये कैलकुलेशन को यहाँ पे अगर बताऊंगा तो आप लोग ये मीटिंग को छोड़ के भाग जाएंगे, तो जो मैं 10 लेवल तक का है उसे स्किप कर देता हूं, क्योंकि आपको और मुझे पता है कि हर कोई आपके और मेरे तरह इंटेलिजेंट नहीं होता कि टाइमली 1 महीने में 5 5 लोग ले आए। किसी को सीखने समझने में 1 महीना लगता है, कोई 2 महीने में 5 करता है, तो उस सबका लॉ ऑफ एवरेज के बिजनेस में हम कंसीडर करके चलेंगे। मान लीजिए कि अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे 178 करोड़ भूल जाए, 17.8 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। अगर 1% भी सक्सेस हो जाते तो 1.78 करोड़। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे तरह है जो कहीं नहीं चल सकता, जो मार्केट में कोई जॉब पे या कोई बिजनेस में कहीं पे भी नहीं चल सकता और केवल ये नेक्स्ट मनी में ही चल गया, अगर मेरे तरह भी आप निकले दोस्तों तो 0.1% भी अगर आप यहाँ से सक्सेस हो गए, फेलियर से फेलियर इंसान, तो भी 17.8 लाख रुपए तो आपको 10 महीने में कमाने से भगवान भी नहीं रोक सकता दोस्तों। रोक सकता है तो खुद आप अपने आप को रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते, अब पैसा तो कमा लिया, टीम भी बना ली, अब कोरोना जैसे खत्म होगा आपको सबसे बेसब्री से इंतजार होगा कि घूमने कहीं जाना है, चिलिंग करना है, माइंड फ्रेश करना है।
तो कंपनी बोल रही है आप टेंशन मत लो, हम आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पे टूर दिया जाएगा। अगर आप आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका जो रेड आईडी जब से काउंट होगा, रेड आईडी से 30 दिन के अंदर अगर आप 5+25 कर देते हो, पांचों के इंडिविजुअल 5-5, तो आपको यहाँ पे मिलता है गोवा टूर। आपको यहाँ पे 2 नाइट 3 दिन का टोटली एंटायरली कंपनी की ओर से गोवा टूर फ्री मिलता है, जाना आना खाना पीना रहना सब कंपनी की ओर से। आई थिंक सो इसका बजट 8 से 10 हजार का पैकेज बोल सकते हैं, अगर हम नॉर्मली जाते हैं इतने दिन के लिए तो 8 से 10 हजार तो मिनिमम खर्चा हो ही जाता है जो एंटायरली फ्री मिलता है आपको। उसके बाद अगर आपका सपना होगा कि मुझे फॉरेन जाना है, क्योंकि विदेश यात्रा भी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, तो हमें कहीं ना कहीं मन में होता है कि फॉरेन जाना है बट हमारी जॉब अलाउ नहीं करता है, तो अगर आप यहाँ पे 90 दिन के अंदर 5-25, 125 कर लेते हैं तो आपको मिलता है दुबई मलेशिया या बैंकॉक टूर। और उसके बाद 5-25, 125 और 625, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच में होंगे कि 3 महीने तो ये एप्लीकेशन को समझने में निकाल दिए होंगे, जैसे कि मैं खुद एग्जाम्पल हूँ कि 3 महीने तो मैंने देखा समझा और उसके बाद स्टार्ट किया, तब तक तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी चली चुकी थी कि 3 महीने में ये कर पाऊ। तो हमारे लिए ऑप्शन है 5-25, 125, 625, नो टाइम लिमिट। जब भी आप करोगे 1 साल 2 साल 5 साल तब भी आपको कंपनी ये टूर देंगी। अब आगे बढ़ते हैं टीम रॉयल्टी इनकम। अब यहाँ पे 10वें लेवल के आगे भी तो टीम बनने वाली, वहां से भी ज्वाइनिंग आएगा, क्योंकि 10वें लेवल पे जो लीडर्स आएंगे वो भी किसी को रेकमेंड करेंगे, रेफर करेंगे। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए सबसे पहला रॉयल्टी इनकम आता है आपका यहाँ पे सिल्वर रॉयल्टी। सिल्वर रॉयल्टी पे आपको क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको सिल्वर के लिए लेवल वन में पांच डायरेक्ट लेवल वन के पांच में से किसी एक के नीचे एक एक करके 10 लेवल तक पहुंचाना है। ये चीज बहुत सारे लोग गलत यहाँ पे समझ लेते हैं, पांचों लाइन नहीं ले जानी है, ABCDE आपके 5 डायरेक्ट है, उसमें से मान लीजिए कि बी है, B1, B2, B3 ऐसे 10 लेवल तक अगर पहुंच गया हो तो आप सिल्वर बन जाते हो। सिल्वर में बेनिफिट क्या है, तो 11वें लेवल से अनलिमिटेड डेप्थ तक 1500 का 1% हमें मिलता है ₹15 डिफरेंशियल अमाउंट, जब तक वो लेग से कोई और सिल्वर ना निकल जाए। आगे बढ़ते सिल्वर के बाद आता है एक और अच्छा इनकम, लीडरशिप बोनस। ये बेहद इंपॉर्टेंट इनकम है। इसका क्राइटेरिया क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 5+25+सिल्वर दोनों का कॉम्बिनेशन, या तो आप पहले 5+25 कर लो या पहले सिल्वर बन जाओ फिर 5+25 करो, कोई भी आप कर सकते हो, बट दोनों होने चाहिए, 5+25 भी होने चाहिए और सिल्वर भी होना चाहिए। दोनों आपने फुलफिल कर लिया क्वालिफिकेशन तो आप लीडरशिप अचीव कर लेते हो। लीडरशिप में आपके 5 डायरेक्ट पर डे जो यहाँ से कमाएंगे ज्वाइनिंग अमाउंट से, उसका 10% आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी आपके 5 डायरेक्ट मिलके अगर 5000 कमा रहे तो ₹500 आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम गोल्ड रॉयल्टी। गोल्ड के लिए आपको 5 डायरेक्ट जो थे उनको सिल्वर बनाना है, 5 डायरेक्ट को आप अगर सिल्वर बना देते हैं तो आप यहाँ पे गोल्ड बन जाते हैं, और गोल्ड के लिए आपको मिलता है 11वें लेवल से 1500 का 2%, यानी कि ₹30 पर रेफरल डिफरेंशियल अमाउंट मिलता है। गोल्ड के बाद आता है इनकम यहाँ पे आपका डायमंड रॉयल्टी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट इनकम है। डायमंड रॉयल्टी के लिए आपका क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हुआ। आपको जब सिल्वर से गोल्ड बनना था तब टोटली आपका डिपेंडेंसी आपके 5 के ऊपर ही था कि 5 जब भी करेंगे जब बनेंगे तभी, जबकि यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए आपको क्या करना है, गोल्ड से डायमंड बनने के लिए 5 अलग अलग लेग से 1 से 10 लेवल के बीच में कहीं भी कोई गोल्ड बनता है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, पहले लेग में डायरेक्ट में कोई बना, दूसरे लेग में तीसरे लेवल पे कोई गोल्ड बन गया, तीसरे लेग में यहाँ पे 6वें लेवल पे कोई बन गया, चौथे लेग में यहाँ पे 4वें लेवल पे कोई बन गया, और 5वें लेग में डायरेक्ट में बन गया, फिर भी आप डायमंड बन जाते हो, यानी 1 से 10 लेवल में कोई भी गोल्ड बन जाए 5 अलग अलग लेग से तो भी आप यहाँ पे डायमंड बन जाने वाले हो। और डायमंड रॉयल्टी में क्या मिलता है, तो 11वें लेवल से 1500 का 3%, यानी कि ₹45 पर आईडी, और पूरे भारतवर्ष में केवल और केवल आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 11 डायमंड है। और डायमंड में आपको पैसा तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको नेम फेम रिस्पेक्ट मिलता है, आपको नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन में 15 लाख यूजर्स के बीच में आपका फोटो आता है, आपका रेकग्नाइज होता है, आपका सम्मान होता है। तो ये रैंक बहुत प्राइड मोमेंट है, आपको डेफिनेटली ये रैंक को जितनी जल्दी हो सके वैसे अचीव करना चाहिए, पर आप सभी के आशीर्वाद से आपके सपोर्ट से ये रैंक मैंने भी मार्च महीने में अचीव किया था, तो आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कंपनी रॉयल्टी। अब कंपनी रॉयल्टी इनकम जो है ये आपको 5 अलग अलग लेग से डायमंड बनाने पड़ेंगे तो आप क्राउन डायमंड बन जाते हो। और इसमें आपको क्या मिलता है, तो कंपनी की जो ज्वाइनिंग अमाउंट का जो टर्नओवर होगा उसका 1% इक्वली सारे क्राउन डायमंड में बटेगा। और आज की तारीख में 4 से 5 लाख के बीच में आई थिंक टर्नओवर है। तो अगर जो भी क्राउन डायमंड है जो मार्च में ही बने हैं हमारे आदरणीय राहुल शर्मा जी, तो आज की तारीख में उनको अगर हम बात करें तो शायद 3 से 4 लाख तो मिनिमम जा ही रहा होगा। मंथली वो क्वार्टरली आता है, 3 महीने का एक साथ आएगा, अगले महीने क्रेडिट होगा, तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना अभी टर्नओवर चल रहा है और मंथली के हिसाब से उनको कितना मिला। तो ये भी पूरी इंडिया की जितनी भी टीम काम कर रही है, आपका अपलाइन काम कर रहा है, आपका क्रॉसलेग काम कर रहा है, आपके कोई भी काम कर रहा है, उसका भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ये एकमात्र नेक्स्ट मनी सिस्टम है जिसमें आप अपलाइन से भी कमाते हो, क्रॉसलाइन से भी कमाते हो, पूरे इंडिया से कमाओगे। उसके बाद आगे बढ़ते रीपर्चेस इनकम। अब आपने पाइपलाइन तो बिछा दी, आपने मेहनत की, 6 महीना 8 महीना 1 साल जबरदस्त एफर्ट डाला, टीम बना दी, अब पाइपलाइन वाली इनकम यहाँ से रीपर्चेस इनकम से आपको मिलने वाली है। जहां पे आप देखो एक बार टीम बना लिया, 1 लाख लोगों की आपकी टीम साइज हो गई, और अगर सिर्फ और सिर्फ 25 पैसा भी एक दिन का एक इंसान से कमाओगे तो कितना हो गया दोस्तों, 25,000 पर डे सिर्फ रीपर्चेस इनकम आप यहाँ से कमा रहे हो। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई 1,000 रुपए का बस टिकट बुक करता है, उसको 2% तो रिवॉर्ड पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा, यानी 980 रुपया पे करना पड़ेगा, और अप टू 4% तक का कैशबैक आ जाएगा, यानी 40 रुपया हम यहाँ पे देखते हैं तो 940 रुपया उसका फाइनल अमाउंट। तो उसका एज अ यूजर जिसने टिकट बुक की उसका 60 रुपया का डिस्काउंट हुआ, 60 रुपया मिला। बट उसका हमें क्या बेनिफिट मिला, हमें क्या फायदा, तो हम देखते हैं उसको जो 40 रुपया कैशबैक मिला उसका 25% यानी कि 10 रुपया ऊपर के 10 लेवल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 1-1 रुपया ऊपर के 10 लेवल में इक्वली बटेगा, ना कोई भेदभाव यहाँ पे रखते हैं कंपनी के सीएमडी सर, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। दूसरी कंपनी में अलग अलग डिफरेंशियल अमाउंट जाता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, जबकि यहाँ पे इक्वली रखा है। अगर किसी को छोटा अमाउंट का कुछ किया और 10 रुपया कैशबैक मिला तो उसका 25% यानी कि 2.5 रुपया अगर ऊपर के 10 लेवल में इक्वली जाता है तो 25-25 पैसा इस हिसाब से कैशबैक इनकम हमें मिलता है, रीपर्चेस इनकम मिलता है। आगे बढ़ते हम यहाँ पे देखिए, आपको 25,000 पर डे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस हिसाब से आपको मिलने वाला है। मर्चेंट इनकम, मर्चेंट इनकम मैं स्किप करना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे लॉकडाउन की वजह से ये प्रोग्राम डिसेबल किया है, बहुत जल्दी रिस्टार्ट होने वाला है, बट अभी हमें इस पे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता वापस, तो आपको यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से भी मिल जाएगा इसका इंफॉर्मेशन, या आपके अपलाइन के जरिए भी जान सकते हैं, क्योंकि जो चीज अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो सामने है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि अभी जो पॉसिबल नहीं है। तो अभी डिसेबल है तो उस पर हमें डिटेल में उतरने की जरूरत नहीं है एट प्रेजेंट, हमें रेफरल इनकम पर फोकस करना चाहिए। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम मर्चेंट भी डेफिनेटली बनाएंगे, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप बहुत सारा अच्छा यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, बट वो हम बाद में समझेंगे अच्छे से, अभी इसको स्किप कर रहा हूं। अब यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कंपनी का, तो इंस्टेंट मनी है जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, आपको इंस्टेंट मनी मिलता है। दूसरा, नो सेल नो परचेस रिक्वायर्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया। ग्रोथ लेवल इनकम है, नीचे जैसे जाते हो वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ता जा रहा है आपका। चौथा है लीगल फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस यानी 21st सेंचुरी का बिजनेस है, अगर आपने ये बिजनेस नहीं अपनाया तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपको कोसेंगे कल उठ के कि पापा आपके पास पास इनिशियल स्टेज में ये अपॉर्चुनिटी आई थी, ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन का जो 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है तब आपने ठुकरा दिया, तब आप शक की नजर से वो देख लिया, और आज हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी वजह से नहीं है, हम आज भी गुलामी कर रहे हैं, आज भी जॉब कर रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम नॉमिनेशन फैसिलिटी, इसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा आगे। उसके बाद यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, जूम मीटिंग के जरिए आज आप ये मीटिंग के जरिए घर बैठे आपके कंफर्ट जोन में, आपके मोबाइल में, आपके मनपसंद टाइम में ये एजुकेशन सिस्टम के जरिए प्लान देख रहे हो, सीख रहे हो, तो इससे बड़ा कोई सपोर्ट सिस्टम हो ही नहीं सकता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो रिस्क नो लायबिलिटी, कोई भी आपको पूछने नहीं वाला है कि आपने मेरा पैसा क्यों डुबा दिया, क्यों मुझे नुकसान करवा दिया, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है क्योंकि वो सर्विस यूज करके भी आराम से इतना तो रिकवर कर लेगा। ड्रीम बिग सेट गोल्स टेक एक्शन,
बड़े सपने देखो, गोल सेट करो और उसके लिए एक्शन लो और उसको अच्छे से फॉलो करो. लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेट. क्या करना है आपको? सबसे पहले लर्न करना है. ये सिस्टम के साथ कनेक्ट करके आपको 4 से 6 महीना डेली विदाउट एनी सिंगल मीटिंग सीख 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 करना है. आज भी हम सीख रहे हैं, 1 साल के बाद भी, तो आपको भी सीखना है. उसके बाद वही चीज आपकी टीम में सिखाना है, टीच करना है, वही चीज आपको टीम में हेल्प करना है और डुप्लीकेट करवाना है. अपनी टीम को भी वही बोलना है कि जैसे मैंने आपको सिखाया, जैसे मैंने आपको डुप्लीकेट करवाया, हेल्प किया, वैसे ही आप आगे भी डुप्लीकेट करवाओ. अब यहाँ पे गोल सेटिंग क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आज अभी आपको अपग्रेड करना है. ये आईडी आपको 1770 से मेंबरशिप लेना है. उसके बाद टारगेट बना लेना है, पहले महीने 5 लोगों को लेवल 1 में अपग्रेड करवाना है, गोवा टूर अचीव करना है, सिल्वर रॉयल्टी अचीव करना है, फॉरेन टूर अचीव करना है, गोल्ड रॉयल्टी अचीव करना है और गोल्ड रॉयल्टी से वहां पे अटक नहीं जाना है, अपनी टीम में रिपीट करवाना है. 7वां जो पॉइंट है बेहद इंपॉर्टेंट है कि वही चीज डुप्लीकेशन होना चाहिए, आगे वही चीज हमें कंटिन्यू करनी है. और उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रियल पैसिव इनकम किसे बोलते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक बेहतरीन यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो ये स्क्रीनशॉट है आज से 3 महीने पहले का है, 4,23,000 का एक टीम साइज आप देख सकते हो और 71,000 ग्रीन आईडी है. आज की तारीख में तो लाख से पार हो चुका होगा, क्योंकि 3 महीने पहले अगर ये था तो कितनी तेजी से ये बढ़ रहा होगा अभी आप कल्पना नहीं कर सकते. द लेट मिस्टर अशोक सारस्वत सर का ये स्क्रीनशॉट है जो हमारे बीच में नहीं रहे, बेहद दुखी होकर ये बात कहनी पड़ रही है. आज ही मैंने ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया है, 1 साल पहले उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट कैसे यूज करना है, रिवॉर्ड पॉइंट का माया जाल जो है वो सॉल्व किया था और सूरत के सेमिनार में, गुजरात के सेमिनार में उन्होंने वो वीडियो स्टेज से शेयर किया था. तो वो कैंसर की वजह से नहीं रहे ये दुनिया में, बट आज भी उनके परिवार को नेक्स्ट मनी के माध्यम से 1.5 से 2 लाख रुपया पर महीने जा रहा है. तो आप देखिए लेवल 1 पे केवल और केवल 13 लोगों को उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी थी, 13 लोगों ने साइन अप किया था, उसमें से मेरे और आपके जैसे केवल और केवल 10 लोग थे जो समझदार थे, जिन्होंने एक्शन लिया, जिन्होंने स्टार्ट किया. अब वो 10 में से भी मेरे और आपके जैसे पागल 5 लोग उनको मिल गए होंगे कि जिन्होंने ये कारवा खड़ा कर दिया और टीम चला ली और अभी आज बेहतरीन उनके घर पे इनकम आ रही है. तो आप सोचिए, आप सिर्फ 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके देखिए दोस्तों, अभी जो सिचुएशन चल रही है, जैसे कि बॉलीवुड में भी अभी बहुत सारे सुपरस्टार्स हमारे बीच में नहीं रहे, हमको छोड़ के जा रहे. पिछले 2 महीने में काफी सुपरस्टार जा चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत जी, ऋषि कपूर जी, इरफान खान जी, बट उनके पास तो बैंक बैलेंस था, उनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ छोड़ के गए. बट क्या दोस्तों, अगर कल उठ के आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, भगवान ना करे, बट कोई बता के तो आता नहीं है कब क्या हो जाए, कब हमारे साथ क्या दुर्घटना घट जाए. अब सोचिए 1 मिनट सी बाघ बन करके कि आप नहीं रहे ये दुनिया में, मान लीजिए कि चलो अब नहीं है आप, तो आपके बीवी बच्चों का क्या, क्या उनके पास हर महीने पैसा आएगा? क्या आपने ऐसा कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ऐसा कोई पेड रोप दिया है कि जिसके जरिए वो पेड से हर महीने आपके घर पे 15,000, 20,000, 50,000 लाख रुपया आता रहेगा और आपके घर के सारे खर्चे यहाँ से निकल जाएंगे? अगर नहीं, तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको इस दिशा में आज ही सीरियस होने की जरूरत है. पैसिव इनकम के बारे में आपको सोचना जरूर चाहिए और ये नेक्स्ट मनी आपको पैसिव इनकम दे रहा है. फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ नॉमिनेशन फैसिलिटी हमारे पास है कि आपके नॉमिनी के नाम पे ये पूरा बिजनेस शिफ्ट हो जाता है. अब लास्ट आपके सामने 2 रास्ते है. लेफ्ट साइड जा रहा है अंधकार की ओर, जहां पे आप देख रहे हो बादल गरज रहे, बिजलियां हो रही है, जो ऑलरेडी आप रूटीन लाइफ आपकी जी रहे हो, जो घीसी पिटी लाइफ, जो 7 से 7 की लाइफ जिसमें आप कभी भी खुश नहीं है, आप जैसे तैसे करके उसमें आपके सारे सपने, आपके परिवार के सपने को कॉम्प्रोमाइज करके जिए जा रहे हो, आप जो चाहते थे ख्वाहिश की लाइफ वो आपको नहीं मिल रही है, तो उसी दिशा में आपको ले जा रहा है. अगर आप वही लाइफ चाहते हैं तो आपको वही रास्ता मुबारक, लेफ्ट साइड, आप डेफिनेटली उस साइड चले जाइए और उसी लाइफ आपको मुबारक जो आप ऑलरेडी जी रहे हो. बट अगर आपको उजालामय लाइफ जीनी है, आप देख सकते हो राइट साइड पे उजाला है, एक आप तेज तेज किरण देख सकते हो, सनराइज हो रहा है वहां पे, नेक्स्ट मई टीम चैंपियन का वहां पे आपको
बोर्ड दिख रहा है वहां पे, उस दिशा में अगर आपका जानना चाहते हो आप, तो आपको हम सब लोग धक्का मार मार के भी यहाँ से सक्सेसफुल बना देंगे। हम सब आपके साथ है, कदम से कदम मिलाकर आपको सपोर्ट करेंगे। ये परिवार में आप सबका वेलकम करते हैं। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर सही टाइम पर आए हो, तो सक्सेस के रास्ते में आ जाइए। पहला कदम आज ही 1770 से प्राइम मेंबरशिप लेके रख दीजिए और हमारे साथ हमारे नेक्स्ट में टीम चैंपियन एजुकेशन सिस्टम का भी पार्ट बन जाइए। हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको भी कनेक्ट कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज की ये प्लान प्रेजेंटेशन में आने के लिए। और लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि मैं आप सबको आज, अगर मुझे थोड़ा हार्श भी होना पड़े तो मैं हार्श होने के लिए रेडी हूँ। आपको थोड़ी मेरी बात कठोर लगे तो भी मैं कठोरता से बात करने के लिए रेडी हूँ। बट आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव करने के लिए आज आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, किसी ने आपको इनवाइट किया है, तो मैं आज आपको बोलूंगा कि आज के आज, अभी के अभी, ये मीटिंग के बाद आप अपग्रेड कीजिए अपना आईडी। कि अगर हमें पता है कि किसी का हम भला करने जा रहे, किसी की लाइफ ट्रांसफर करने जा रहे, किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने जा रहे, किसी की फाइनेंशियल फ्रीडम, जो घर की हालत खराब है उसको चेंज करने जा रहे, उसके सपने कंप्लीट फुलफिल करवाने जा रहे, तो उस चीज में अगर हमें फोर्स करना पड़े, उसको पुश करना पड़े, उसको सही गाइड करना पड़े, तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। और मैं या ये मंच के माध्यम से जरूर आपको बोलूंगा कि आज आप ये डिसीजन ले लीजिए। जरा सा भी संकोच मत रखिए, सोचिए मत, और ये परिवार का हिस्सा बन जाइए। ये परिवार आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वंस अगेन थैंक यू सो मच।